Today I am going to take the lecture on the topic financial management. First of all, you should know about the meaning of financial management. क्या होता है financial management का मतलब? उसका मतलब होता है कि planning करना, organize करना, directing करना, controlling the financial activities. जितनी सारी financial activities हैं, इन सबको planning, organizing, directing और control करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है. जैसे कि प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज. इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज. अब स्कोप की बात करते हैं या एलिमेंट्स की बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट क्या हो गया इसका, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, जिसको आप कैपिटल बजटिंग भी बोलते हो, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. ठीक है, अब फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या हो जाता है कि दे रिलेट टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विच विल डिपेंड अपॉन डिसीजंस ऑन टाइप ऑफ सोर्स, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड द रिटर्न्स देयर बाय. थर्ड में क्या हो गया, डिविडेंड डिसीजन में द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजंस विद ग्रेट सॉरी विद रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. पहला क्या हो गया, डिविडेंड फॉर स्टेक होल्डर्स और रिटेन प्रॉफिट्स. डिविडेंड फॉर स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड एंड द रेट ऑफ इट हैज़ टू बी डिसाइडेड. एंड रिटेन प्रॉफिट में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट हैज़ टू बी फाइनलाइज विच विल डिपेंड अपॉन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है जनरली कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंसर्न. द ऑब्जेक्टिव कैन बी क्या पहला क्या हो गया, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न, टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू द स्टेक होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड टू इंश्योर ऑप्टिमल फंड्स यूटिलाइजेशन. एक बार फंड आप प्रोक्योर हो जा कर देते हो तो दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वेज, एटलीस्ट कॉस्ट and to ensure safety of on investment, that is funds should be invested in safe ventures so that adequate rate of return can be achieved. Okay, so to plan a sound capital structure, there should be sound and fair composition of capital so that a balance is maintained between debt and equity capital. एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गए, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन विद रिगार्ड्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड दिस विल डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न. सो एस्टिमेशन क्या हो गया, हैव टू बी मेड इन एन adequate manner which increases earning capacity of enterprise. ठीक, next देखते हैं determination of capital composition. इसमें क्या हो जाता है determination of composition capital में, capital composition में एक बार estimate आपका बन गया तो जो capital है structure है have to be decided. This involves short term and long term debit equity analysis. इसमें क्या होगा, this will depend upon the proportion of equity capital a company processing and additional funds which have to be raised from outside parties. Third kya hoga, choice of source of funds. For additional funds to be procured, a company has many choices like issue of share and debentures, loans to be taken from banks and financial institutions, public deposits to be drawn into in form of bonds. Choices of factor will depend on relative merits and demerits of each source and period of financing.
फोर्थ में अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की, कैसे इन्वेस्टमेंट करें फंड्स का. तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि जो भी फंड एलोकेट हुआ है वो उसमें प्रॉफिटेबल वेंचर्स कितना किया जा सकता है वो, सो दैट देयर इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न्स इन प्रोसेस, जिससे रेगुलर रिटर्न मिल सके अपन को. डिस्पोजल ऑफ सरप्लस में क्या होता है, द नेट प्रॉफिट डिसीजन हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर. दिस कैन बी डन इन टू वेज, पहला डिविडेंड डिक्लेरेशन हो गया, एंड इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस. एंड रिटेन प्रॉफिट में क्या हो गया, द वॉल्यूम हैज़ टू बी डिसाइडेड विच विल डिपेंड अपॉन एक्सपेंशनल एंड इनोवेशनल डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द कंपनी. सिक्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश में क्या हो गया कि फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, हैज़ टू मेक डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू कैश मैनेजमेंट. कैश क्या होता है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेस, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस करना है, सैलरी करनी है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, मीटिंग करंट लायबिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ इनफ स्टॉक्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान, प्रोक्योर एंड यूटिलाइज द फंड्स, बट ही ऑल्सो हैज़ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस. एंड दिस कैन बी डन थ्रू मेनी टेक्निक्स लाइक रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जेवीके विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैंशन इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट. थैंक यू.